लड़का रहता था। वे कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था, क्योंकि वह जो भी काम करता वह उल्टा ही हो जाता। सभी गांव वाले उससे बहुत परेशान थे, कोई भी उसे काम नहीं देता था। एक दिन राजू काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे मांगेराम नाम का एक आदमी सामने से आता दिखाई दिया। उसने मांगेराम से कहा, अरे मांगे भैया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ओ राजू, अभी कुछ मत पूछ, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अरे भैया रुको तो सही, इतनी जल्दी किस बात की है? कहो तो मैं कुछ मदद कर दूं। मांगेराम रुक जाता है और राजू से कहता है, अच्छा अगर मैं तुझसे काम लूंगा तो मेरा और काम खराब हो जाएगा, तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा। अरे 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 सुनो तो सही, मैं कोई काम खराब नहीं करूंगा, बताओ मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है, तो ये सामान लो और पास के गांव में धनीराम सेठ के यहाँ दे आओ, और हाँ जल्दी जाना क्योंकि उसके घर में शादी है, ये सामान उन्हें जल्दी चाहिए, और हाँ कोई गड़बड़ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मांगे भैया आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं सही सलामत ये सामान वहाँ पहुँचा लूंगा, ठीक है? राजू मांगेराम से सामान लेकर निकल जाता है, पर क्या करें, राजू की किस्मत ही ऐसी कि कोई काम ठीक से होता ही नहीं था। अभी वे थोड़ी दूर ही चला था कि उसका पांव फिसला और वो नीचे गिर गया। ओए माँ, मर गया, मर गया। उसके हाथ में जो सामान था वह भी नीचे गिरकर खराब हो गया। राजू की आवाज सुनकर मांगेराम ने उसकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरी ही मती मारी गई थी जो मैं इस पनौती से काम ले रहा था, अब मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? मुझे माफ कर दो मांगे भैया प्लीज, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा, माँ की कसम। ना बाबा ना, आगे से तुझे काम देगा ही कौन, तू बस भाग जा यहाँ से, मुझे दिखाई मत दे वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मांगेराम की बात सुनने के बाद राजू निराश हो जाता है और सोचता है, सही कहते हैं लोग, मैं हूँ ही पनौती, इसलिए कोई मुझे काम नहीं देता, सब मुझे दुत्कार के भगा देते हैं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उनका जाने के लिए निकल पड़ता है। गांव से बाहर निकलते ही अचानक बहुत तेज आंधी और बारिश होने लगती है। अरे अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश कहाँ से आ गई, अब मैं इस बारिश में कहाँ जाऊंगा। राजू छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है, तभी उसे सामने एक हवेली नजर आती है। राजू हवेली की दिशा में आगे बढ़ता है और चलते चलते सोचने लगता है, क्यों ना थोड़ी देर इस हवेली में रुक जाऊं, क्या पता कोई काम ही मिल जाए। वे हवेली की तरफ जाता है, पास पहुंचकर वे हवेली को ध्यान से देखता है। अरे यहाँ तो बहुत शांति है, यहाँ कोई रहता भी है या नहीं, चलो अंदर जाकर देखता हूँ। राजू हवेली के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा होता है, जिसकी वजह से राजू घबरा जाता है। अरे बाप रे, ये हवेली तो बहुत डरावनी लग रही है। तब उसे दूर से कुछ रोशनी दिखाई देती है, ये देखकर वे सोचता है, अरे ये रोशनी कहाँ से आ रही है, वहाँ जाकर देखता हूँ, क्या पता वहाँ कोई मिल जाए मुझे। राजू जैसे ही रोशनी के पास जाता है तो हैरान रह जाता है, ये रोशनी तो एक छतरी में से आ रही है, पर ऐसा क्या है इस छतरी में जो ये इतना चमक रही है। राजू छतरी उठा लेता है और उसे खोलता है, जैसे ही छतरी खुलती है उसमें से एक आवाज आती है। छतरी में से आवाज सुनकर राजू डर जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह आवाज फिर से आती है, डरो मत, इधर देखो, मैं इस छतरी से बोल रहा हूँ। राजू छतरी की तरफ देखकर उससे कहता है, कौन हो तुम और इस छतरी में क्या कर रहे हो, बताओ। मैं एक जिन हूँ, मुझे एक जादूगर ने इस छतरी में कैद कर दिया था, मैं बहुत सालों से यहाँ कैद हूँ। तो
तो क्या यहाँ तब से कोई नहीं आया जो तुम्हें आजाद करा सके? यहाँ लोग तो बहुत आए लेकिन मैं सबको नजर नहीं आता। लोग मेरी आवाज सुनकर डर जाते थे और इसे भूतिया वेली समझकर यहाँ से भाग जाते थे, इसलिए मैं इतने सालों से यहाँ कैद रहा। पर मैं तो तुम्हें देख सकता हूँ। हाँ, पर तुमने मुझे जब अपने हाथों में लिया तब मैं समझ गया तुम मुझे देख सकते हो। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बता दीजिए। मैं तुमसे अपनी आजादी चाहता हूँ। अगर तुम मुझे आजाद की ये बात सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है और जिन से बोलता है, सच्ची क्या तुम सच में मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? राजू की बात सुनकर जिन हंसने लगता है और बोलता है, तुम कुछ मांग कर तो देखो बच्चे। सब लोग मुझे पनौती मानते हैं क्योंकि मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाता और इसीलिए मैं ये गांव छोड़कर जा रहा था। अब करो मेरी मदद करो। बस इतनी सी बात है तो ठीक है, चलो आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे साथ रहने से क्या सच में मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी? हाँ बच्चे, पर मैं तुम्हें आजाद कैसे करूंगा बोलो? जिस दिन तुम इस छतरी को तोड़ दोगे उस दिन मैं आजाद हो जाऊंगा। जिन की बात सुनकर राजू खुशी खुशी छतरी लेकर अपने गांव चल देता है और उस जादुई छतरी को एक डिब्बे में बंद करके रख लेता है ताकि उसे कोई चुरा न सके। उस दिन के बाद से राजू का कोई काम खराब नहीं होता। उसके पास जादुई छतरी है इसलिए सब काम अच्छा ही होगा, ऐसा सोचकर वह हर काम करने लगा। धीरे धीरे राजू भी अमीर हो गया क्योंकि वो हर काम पूरी लगन और मेहनत से करता रहा। एक दिन राजू किसी काम के लिए घर से बाहर गया तो पीछे से घर की साफ सफाई करते हुए उसके नौकर से वह डिब्बा नीचे गिर गया। हे भगवान, ये तो मालिक का बहुत प्रिय डिब्बा है, अगर आज ये मुझसे टूट जाता तो न जाने क्या होता। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजू घर बैठकर सोचता है, बहुत दिन हो गए इस छतरी से बात किए हुए, आज छतरी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ और उसको आजाद कर देता हूँ। मैं जैसे ही डिब्बे को खोलता है तो देखता है कि जादुई छतरी तो पहले से ही टूटी हुई है। ये देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है। छतरी तो पहले से ही टूट चुकी है, पर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि यह जिन आजाद हो गया, पर पता नहीं आज के बाद मेरा काम कैसे होगा। कहीं फिर से मेरी किस्मत खराब हो गई तो क्या करूँगा। राजू के ऐसा बोलते ही वे जिन वहाँ प्रकट होता है और राजू से कहता है, राजू तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? इतने दिनों से तुम खुद ही तो अपना काम कर रहे थे। जिन की बात सुनकर राजू हैरान हो जाता है और कहता है, क्या, पर वो कैसे? पहले तुम्हारा कोई काम नहीं बन पाता था, मैंने तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया है और जहाँ तक मेरा सवाल है तो इतने दिनों से तुम मेरे बिना ही काम कर रहे थे। मतलब मैं समझा नहीं। ये छतरी तो बहुत दिनों से टूटी हुई है और मैं बहुत दिनों से आजाद हूँ, इसलिए ये बात अच्छे से समझ लो कि आत्मविश्वास से ही तुम्हारे सब काम सही हो रहे थे। जिन की बात सुनकर राजू समझ गया कि जीवन में अगर आत्मविश्वास की कमी हो तो कभी सफलता नहीं मिलती। हमें कभी किसी जादू के भरोसे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि जादू हमारी जिंदगी नहीं बदल सकता, बल्कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से किए गए काम ही हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।